الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सूरह तकाबुल की आयतों की तस्वीर आपके सामने दी जाती है, मगर चूंकि ज़िलहिज का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में बाद अहम इबादतें इस्लाम ने हमें दी, उन सब इबादतों के बारे में तो मैं नहीं अर्ज कर सकता क्योंकि उनमें से बाद इबादतें आफाकी नहीं मकाम यानी इसके लिए मक्के में अरफात में मीना में मुज़दलिफा में जाना पड़ता है और जाहिर है कि वो एक मखसूस जगह पर मकाम से मिला दुनिया के किसी कोने और किसी गोशे के अंदर आप अगर ये चाहें कि आप कोई बैतुल्लाह की शक्ल बना लें, सफा मरवा की शक्ल बना लें, मीना और मुज़दलिफा की नकल उतार लें, तो सिर्फ यही नहीं है कि ये हज नहीं होगा बल्कि ये हज की तौहीद है, क्योंकि ये आफाकी इबादत नहीं है, ये मकामी इबादत है जो उस जगह से और उस मकाम से मखसूस तौर पर बता रहे हैं। इसलिए उस इबादत के बारे में तो इस वक्त मुझे नहीं बता सकता, मगर बाल इबादतें आफाकी हैं हर जगह, जिस तय जमीन के अंदर हो, जिस शहर में हो, जिस कस्बे में हो, जिस मुल्क में हो, बाल इबादत है। हर मुसलमान को हर जगह पकड़ी जाती है, जैसे ईद अजहा के 10 दिनों के अंदर 9 दिनों में रोजे और शब्देदारी इसकी रातें भी अफजल हैं, इस अशरे के दिन भी अफजल हैं। ये आफाकी हर जगह हर मुल्क और हर मुसलमान को
उसी तरीके से कुर्बानी ये भी आप हासिल करें, ये मकामी नहीं। जैसा कि मुनकरी ने हदीस कभी कभी आपके सामने ऐसा नक्शा पेश करते हैं कि ये तो मौलवियों ने अली खुशे ने कुर्बानी करा दी, ये तो दरअसल सिर्फ एक मक्के की इबादत थी, मीना की थी। और झूठ बोलने के लिए भी आदमी को तरीका चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब ये जो हज है असल में ये तो एक मुस्लिम कौम का आलमगीर इज्तम है, जिसको वो कहते हैं कि ये आलमगीर कॉन्फ्रेंस है। और जब ये आलमगीर कॉन्फ्रेंस है तो इसके अंदर हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान जमा होंगे, और जब वो लाखों की तादाद में जमा होंगे तो उनको फिर खाने पीने की भी जरूरत होगी। तो गोया इस्लाम ने उन हाजियों की जियाफत के लिए और मेहमानदारी के लिए जबीहे का हुक्म दिया था, जिसका मतलब यह है कि ये जबीहा यहाँ करो ताकि हाजियों के खाने का इंतजाम हो जाए। ये मौलवियों ने हर गली कूचे में और हर शहर के अंदर शुरू कर। अगर सब कर लीजिए अव्वल तो हज, ये कहना कि ये एक आलमगीर कॉन्फ्रेंस है, किसी चीज की हिकमत बयान करना और बात है। हकीकतन ये खालिश इबादत, उस इबादत में ये हिकमत और मसलहत भी अगर शामिल हो कि सारी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बाखबर हों, एक दूसरे से अपने दुख और दर्द की बातें करें, ये तो हिकमत। इस मकसद के लिए हजी बिल्कुल ऐसी भी बात है कि जैसे कोई शख्स ये कहे, मैंने बाल डॉक्टरों से ये कहते हुए सुना है कि आप तो नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की, इंशाल्लाह आपकी टांगों में और आपके घुटनों में तकलीफ नहीं हो। कहने लगे कि इस तकलीफ की एक वजह ये भी होती है कि एक शख्स जो है बस आराम तलब हो गया है, और न उसके हाथों को, न उसके जिस्म को, न उसके आजा को कोई हरकत होती है, वो आधी नहीं रखते हैं तो उसको तकलीफ। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि साहब नमाज का मकसद ही यह है कि ताकि घुटने तकलीफ से बची रहे, ये तो गलत है। जैसे एक गांव वाले ने ये कहा था कि भाई नमाज के और भी बहुत से फवाइद होंगे, मगर एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि खाना खूब हजम होता है, उठने बैठने से रिया साबित होते हैं। इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं मालूम था कि अरे भाई रिया जो साबित होते हैं तो नमाज ही कहाँ रहती है। तो अव्वल तो ये कि वो कोई आलमगीर कॉन्फ्रेंस नहीं है, और अगर मान लिया जाए कि वो आलमगीर कॉन्फ्रेंस है तो ये बात कि आपने कहा हाजियों की सियासत के लिए ये कुर्बानी का हुक्म दिया गया था, तो अल्लाह के बंदे ये तो सोचो कि जो हाजियों का जो बैनुल अक़वामी या आलमगीर इज्तम होता है ये तो होता है नौ। हज नाम है क़याम अरफा। अगर किसी शख्स ने अरफात के अंदर क़याम कर लिया और बाकी अरकान अदा नहीं किए हैं तो उसे जुर्माने अदा करेगा, दम दे। लेकिन ये कि फ़क़हा लिखते हैं हज हो गया, हज नाम है क़याम अरफा। बल्कि यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी बीमारी की वजह से किसी वजह से सो रहा और सोते सोते आप उसकी कुर्सी को या आप उसके पलंग को उठा के ले गए, अरफात में आपने क़याम किया, वो सोता रहा, उसको वैसे के वैसे ही ले आए, फरमाया उसका हज, क्योंकि क़याम अरफात उसको हासिल, चाहे वो सोने की हद। तो मालूम ये हुआ कि दर हकीकत वो इज्तिमा जो मकसूद है इस्लाम के अंदर वो तो वो है जो अरफात में होता है, वो होता है नौ की। तो अगर ये हाजियों की मेहमानदारी थी तो भाई छह सात से काटना शुरू करते, ताकि नौ को उनको गोश्त नहीं कर। चलिए छह को नहीं सात को नहीं, कम से कम आठ को तो हुक्म देना चाहिए था, ताकि वो नौ को जब वहां पर पहुंचे तो सबको खाने के लिए दी जाए, इसलिए कि हाजियों की दिया कर। लेकिन आपने से जिनको अल्लाह ने हज बैतुल्लाह की तौफीक दी है उन्हें मालूम है अरफात में शाम तक है,
वो मुजलते के लिए रवाना हो जाते हैं। जिसका मतलब यह है कुर्बानी का हुक्म आपने दिया है 10 दिन 10 11 12 और बाद अइम्मा के यहाँ क्यों है हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा के यहाँ शर्त है अय्याम तशरीक अलग है कुर्बानी के अय्याम अलग है। अय्याम तशरीक से मतलब यह है कि 13 तारीख तक तशरीक जारी रहती है तो बाबा ने यह कहा कि नहीं जब तक कुर्बानी इमाम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं सिर्फ 12 तशरीक जारी है 10 11 12। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई शख्स 11 को कुर्बानी करे 12 को कुर्बानी करे 10 को कुर्बानी करे तो किसी एक भी हाजी का पता नहीं है कि कहां है वो कॉन्फ्रेंस काम नहीं है वो तो इस्तेमाल खत्म हो गया। इसलिए कि शाम तक अगर आप जाके अरफात के अंदर देखें तो मालूम होगा कि यहां पर इंसानों का समंदर हाथे मार रहा था और अब तो कोई भी नहीं बनी अभी 10 तारीख तो शुरू भी नहीं हुई इज्तिमा तो खत्म भी हो गया। तो मैंने अर्ज किया कि आदमी को झूठ बोलने के लिए भी असल में खलीफे की जरूरत है ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये इबादत मकामी इबादत है ये आफाकी इबादत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में भी कुर्बानी की है बावजूद इसके कि मदीने में हज नहीं है और इसी तरीके से तमाम सहाबा जिन जिन मुल्कों के अंदर गए जहां जहां गए उन्होंने कुर्बानी की क्योंकि ये आफाकी इबादत है ये मकामी इबादत है। तो मैं ये कर रहा था बाद इबादतें भी ठीक से मुतालिक और कुछ सिलसिले में ये 2 जुमा में आपकी खिदमत में कुछ मसाइल और कुछ इन इबादतों का पस मंजर इन इबादतों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ इनकी रूह क्या है इनका मकसद क्या है ये इबादत और तकरीबन जिलहिज के महीने के बाद और तीसरी इबादतें भी इनका बहुत गहरा ताल्लुक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और उनके साहबजादे हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह बाप का लकब है खलीलुल्लाह बेटे का लकब है ज़बीहुल्लाह। खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह इन दोनों शख्सियतों के साथ जिलहिज की इबादतों का बहुत गहरा ताल्लुक इबादत हज कर हालांकि हज उतनी ही कदीम इबादत समझिए कि जितने कदीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जितना कदीम ये अल्लाह का घर है। तारीख वैसे भी हमारे नजदीक हदीस के या कुरान के मुकाबले मुकाबले एतबार नहीं होती है मगर ये तो कुरान ने शहादत दे दी فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین روح زمین پر سب سے پہلا گھر بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ جو احتیاط والے علماء ہیں انہوں نے اس قول کو لیا बाद उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी हजरत आदम भी दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं कि मलाइका और फरिश्तों ने अल्लाह का ये घर बनाया जिसका मतलब यह है कि तख्लीक आदम से भी पहले लेकिन एहतियात वाले उलमा ने इस कॉल को पसंद किया है कि इस घर की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए परेशानी की हालत में आए बावजूद इसके कि वो शिकम मादब से पैदा नहीं हुए ये मैंने इसलिए कहा कि शिकम मादब से भी जब दुनिया में इंसान आते हैं तो वो चिल्लाते और रोते भी आते हैं कहते लगाते हुए कोई मुस्कुराता हुआ नहीं हंसता हुआ मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो शिकम मादब के जरिए से नहीं आए हैं अल्लाह ने उनको मिट्टी से पैदा किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा जब आदम का पुतला तैयार किया गया है मिट्टी से तो फरमाया कि 39 दिन
39 दिन तक बराबर उस पर गमों की बारिश हुई है और उस पर एक दिन खुशी की फरमाया। तो यही वजह है कि हजरत इंसान दुनिया में ज्यादातर आह आह करते हुए गुजर जाते हैं, खुशी के लम्हा छोड़। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शिकन इमादत से नहीं आए हैं, ये समझा जाए कि भाई ये तो आई है चिल्लाते हुए, चीखते हुए, इनका काम भी होना और चिल्लाना है। किसी शायर ने कहा, फरमाया कि बचने मादर ही से जब पैदा हुआ तकलीफ से, बचने मादर ही से जब पैदा हुआ तकलीफ से, या कहाँ राहत के तू करता है राहत की तलब। तकलीफ से हमारी जिंदगी की इब्तिदा, और अल्लाह के आरिफ बंदों ने और मुक्ति कर ली। फरमाया तो देखो इस दुनिया में आंखें खोल के चलते हैं, नाबीनाओं की तरह आंख को बंद करते हैं, फिर जिसको देखो पहचानो। एक आदमी कहता है कि जी मैं गया बाग में और मैंने जाके ये इरादा किया कि यहां पर भी अपना मैं घोंसला बनाऊं, कैसी अच्छी हवा है, कैसे तरोताजा फूल है, दरिया है। लेकिन कहने लगे कि मैंने जब गिर्द गिर्द देखा, मैंने कहा भाई मैं तो पाऊ, मैंने ये देखा कि हवा भी अच्छी है, कब्जा भी अच्छा है, हर चीज अच्छी है, लेकिन मैंने देखा कि इस चमन में कोई वफादार नहीं। जब मैंने देखा कि यहां कोई वफादार नहीं है, तो मैंने कहा भाई मैं चाहे कितना ही आराम हो मगर मैं इन दो वफाओं की बच्ची में अपना घोंसला बनाने को तैयार। कहता है कि निहाल सरकश गुल बे वफा ओ लाल दो रही। मैंने पौधे को देखा, मैंने देखा कि वो सरकशी कर रहा है, ऊपर से फल खा रहा है। लाले को देखा तो उसमें मुनाफिकों की तरह दो किस्म के रंग है। फूल को देखा तो मैंने कहा कि इसमें तो बुआ बचा नहीं। कहता है कि निहाल सरकश गुल बे वफा ओ लाल दो रही, दरी चमन बचे उम्मीद आशियां बंदम। मैं किस उम्मीद के ऊपर यहां पर घोंसला बनाऊं, यहां से एक ही वफादार है। आरिफ कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे आंखें खोल के चलो, क्या तुमने नहीं देखा जब हजरत इंसान दुनिया में आते हैं कितना चीखते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना तड़पते हैं, लेकिन कोई घर बाहर वालों में से कोई भी उसकी हमदर्दी करने वाला है, उसके रोने का साथ देने वाला है, उसके रोने पे कोई हमदर्दी का इजहार करने वाला है, जिसको देखिए खुशी मना रहा है, कोई मिठाई तकसीम कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इस रोने वाले मासूम का कोई साथ दे रहा है। फरमाया के आने वाले को सोचना चाहिए कि ये तो पहला लम्हा है जो मैं आज आया हूं, ये तो माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान चीखता चिल्लाता आया, उसके चीख में चिल्लाने पर ठीक रह नहीं। अल्लाह के आरिफ बंदे ये कहते हैं कि तुमने अपने माहौल को देखा कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, ये बेवफाओं का माहौल है, तो तुम भी इनसे पूरा पूरा बदला लो। और बदला लेने का तरीका यह है, तुम आए तो तुम रो रहे थे, ये सब हंस रहे थे, और जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम इस तरीके से जाओ कि तुम हंसते हुए जाना सबको बिना। फरमाया कि याददारी के वक्त ज्यादा को, याददारी के वक्त ज्यादा को हम अखंडा मृदंग को गिरिया, याददारी के वक्त ज्यादा को हम अखंडा मृदंग को गिरिया, और हम चुनाजी के वक्त मुर्दने तो, हम चुनाजी के वक्त मुर्दने तो हम गिरियां चवंद तो खंदा। तुम जाओ तो हंसते हुए जाना, और मेरे दोस्त को हंसता हुआ कौन जाता है, जिसका इलाज पास है, जिसका इलाज पास नहीं है वो हंसता हुआ नहीं जाता। कोई साजिश उसमें कोई अपने चोपड़े में कोई बेईमानी की हो, अगर उसको इनकम टैक्स ऑफिसर बुला ले तो उसके चेहरे की सुख खत्म हो जाए, मालूम नहीं क्या गुजरे। ये तो मुझे मालूम है कि जो मैंने गड़बड़ की,
मगर जिसका हिसाब साफ है वो इस तरीके से जाता है, तबस्सुम करता हुआ मुस्कुराता हुआ जाता है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम, यही वजह है कि अहलुल्लाह दुनिया से जाते हैं तो मुस्कुराते चले जाते हैं। हजरत मौलाना खान जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मौत डरने की चीज नहीं है। कोई इंसान दुनिया में मौत से नहीं डरता जैसे आप रात को सोने से नहीं डरते। फरमाया कि असल डर जो है जिसका है कि मौत के बाद होगा क्या, असल सवाल। और जिस आदमी को यह ख्याल है कि जी मेरे बाप की मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर हम डर से डरता है। और जो अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनकी तैयारी और जिनका मुस्तकबिल ठीक है, हदीस में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप दुनिया में मजीद कयाम करना चाहते हैं या रफीक आला की मुलाकात। आपने फरमाया कि मैं दुनिया में कल नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह की मुलाकात। मेरे दोस्तों ये बात तो यही कही जा सकती है जब कोई किताब काम करती है। तो अब मैं ये रहा था कि हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम दुनिया में आए हैं परेशान रोते थे, हजरत हव्वा पिछड़ गए, उन्हें मालूम नहीं है कि हव्वा कहां है। और वो अपने गम में और अपनी मुसीबत में ऐसे गिरफ्तार हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने मना किया था कि ये दरख्त इस्तेमाल न करना, शजर मनुआ इस्तेमाल न करना। हो गई लफ्ज़िश, और वो लफ्ज़िश भी ऐसी लफ्ज़िश है कि कभी कभी दीनदारी के जज्बे में भी आदमी को कभी कभी गलत कर दिया। हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम से ये नहीं कहा कि हम कानून का खजाना देंगे ये दरख इस्तेमाल करें, वो कहेंगे मैं तो लात मारता हूं खजाना। अगर हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम से दुनिया की किसी नेमत का भी जिक्र किया जाता है, चलो बाबू मैं तुम्हारी बात करूं। मगर हजरत आदम से कहा तो क्या कहा, कहा कि हल अदुल्लु कहला शजरत खुल्दिर मुल्किन ला यबला, हल अदुल्लु कहला शजरत खुल्दिर मुल्किन ला यबला। अरे आदम आप जन्नत में हैं, क्या जमानत है जन्नत छिन न जाए, क्या मैं ऐसी बूटी का पता न बता दूं कि जिसे आप खा लें तो जन्नत हमेशा के लिए निर्भर हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाद में बूटी खाई इस जज्बे में कि ये जन्नत दाइमी तौर पर हमारे लिए हो जाएगी। हल अजुल्लो का हला सजावत खुद भी वजुल की मतलब हजरत आदम दुनिया में आए, वक्त में इसकी गुंजाइश नहीं है, हर बात को थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है। लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब इस लिस्ट की वजह से रोते फिरते हैं जंगलों के अंदर। कितना मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कह भी नहीं सकता हूं ऐसी बात। उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम अपनी कसूर से इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि अगर हजरत आदम का गिरिया तराजू के एक कंधे में रखा जाए और हजरत आदम की सारी औलाद का गिरिया तराजू के दूसरे कंधे में रखा जाए तो आदम का गिरिया पड़ लाखों साल भी उनकी नस्ल और औलाद इतना नहीं हो सकती जितना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सलाम जिसम काला हो गया है, हजरत हव्वा मौजूद नहीं है। वक्त आया है अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल होने का, फरिश्ते को भेजा है, उसने कहा है कि आप रोजे रखिए 13, 14, 15 चांद के 13, 14, 15 ये अयाबीस कहना है, दे ये द्वार, दे ये द्वार, 20 के माना आदमी रोशन, ये सबसे ज्यादा रोशन रातों वाले दिन। चलते हुए चांद में भी उतरते हुए चांद में भी 13, 14, 15 से ज्यादा रोशन रातें कुछ 3 रोजे 6 हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म सफ़ेद
बाबा ने कहा कि अल्लाह ने 20 दिन को इसीलिए कहा जाता है, ये अल्लाह ने 20 के रोजे हैं कि इन रोजों के रखने से उनके जिस्म की सियाही हो रोशन। तौबा तो कबूल हो गई लेकिन हजरत हव्वा की तलाश है। उलमा ने लिखा है कि आखिर एक मैदान के अंदर हजरत हव्वा से मुलाकात हो गई। वो अलग बिछड़ी हुई फिर रही हैं, ये अलग अपने बिछड़े हुए फिर रहे हैं। जिस मैदान में मुलाकात हुई और एक ने दूसरे को पहचाना और मिले हैं, उसी मैदान में आप हज के लिए जमा हो। उस मैदान का नाम है मैदान अरफा। के माना आते हैं चर्चा। ये वो मैदान है कि जिसमें एक दूसरे को हजरत आदम हब्बा ने पहचाना और वो दिन कौन सा था कि जिस दिन में पहचान वो जिंदगी की नई तारीख और जिंदगी की नई तारीख को क्या कहते हैं? यौम अरफा। यौम अरफा के माना यह है कि जिस दिन पहचाना और मुलाकात हुई वो दिन यौम अरफा कहलाया। जिस मैदान में मुलाकात हुई और पहचाना वो मैदान मैदान अरफा। हजरत हव्वा की मुलाकात हो गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। अब हजरत आदम के हाथों से दो मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। जमीन के लिए सबसे कदीम मस्जिदें हैं दो, एक का नाम है मस्जिद हराम, दूसरे का नाम है मस्जिद अक्सा। एक को बैतुल्ला कहते हैं, एक को बैतुल मक्दिस कहते हैं। और उलमा ने लिखा है कि बैतुल्लाह की बुनियाद, मस्जिद हराम की बुनियाद हजरत आदम ने जब रखी है, उसके ठीक 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद। और नाम से भी ये मालूम होता है कि हाँ वो बाद में। अक्सा के माना है बहुत दूर, वो मस्जिद जो फासले पर है। तो भाई दूर और करीब तो आप जब ही कहते हैं जबकि पहले से तो कोई जगह मुकर्रर हो जाए। हर जगह करीब भी है, हर जगह दूर भी है। मालूम हुआ कि मस्जिद हराम पहले बन गई है और उसके काफी साथियों के ऊपर उन्होंने बुनियाद रखी है। इसका नाम है मस्जिद अक्सा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों मस्जिदों के बानी थे। और यही वजह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज के अंदर दोनों बैतुल्लाह को जमा किया। इसलिए कि मस्जिद हराम और बैतुल्लाह जो है वो आपको मालूम है वो तो गोल इमारत, इमारत का नाम बैतुल्लाह नहीं है। ये इमारत तो आपको वो निशान बताती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दर दीवार भी दाखिल नहीं रहे। कभी कभी ऐसा हुआ है कि पानी इतना आ गया वहां पर कि दर दीवार बैतुल्लाह की नजर। लेकिन फिर भी लोगों ने कश्ती के जरिए से तलाश किया है, तलाश किस चीज का किया है, बैतुल्लाह की तो कोई नीच नहीं। मालूम हुआ कि दर हकीकत जिसका नाम बैतुल्लाह है वो जगह है कि जिसको ईंटों से घेर लिया गया है। ईंटों का नाम बैतुल्लाह नहीं। इसीलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अरे भैया ये इमारत है, अगर तुम इमारत का चक्कर लगाकर आ गए तो एक फकीर से ये कहेगा कि तुम्हारा हज हो गया। इसका मतलब यह कानून की नजर में हज हो गया। लेकिन अल्लाह वालों से पूछो कि तुम्हारा हज हुआ या नहीं, तो कहते हैं कि इमारत का चक्कर लगाने का नाम हज नहीं है। फरमाया कि हज जियारत कर दने खाना बोवद, हज जियारत कर दने खाना बोवद, और हज रब्बुल बैत मर्दाना बोवद। फरमाया हमारी नजर में हज वो है जो उस घर का मालिक जो उससे मुलाकात करके आए, मुखाफा करके आए, वो है हज। घर का चक्कर लगाना और है, घर वाले से मुलाकात करना है। और घर वाले से मुलाकात बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान भी बहुत है, मुश्किल भी है। एक आदमी चक्कर से चक्कर लगा रहा है, घर वाले से मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों? कहता है
بتوافقان رقتم بخر امرهن دادن بتوافقان رقتم بخر امرهن دادن. میں چکر لگا رہا ہوں, کہتا ہوں دروازہ کھولو, دروازے سے نکلوں گا, دروازہ کھول دیا. بتوافقان رقتم بحرم رحمن دادن کے درو نے در کے کر دی کے درو نے خانہ آئی. اے گھر والے سے ملاقات کرنے والے, یہ تو بتا کہ آنے سے پہلے پورے ملاقات کی کیا تیاری تھی؟ جب تک تو گھر والے سے ملاقات کی تیاری نہ کرے تو چکر لگانے سے ملاقات نہیں. فرمایا کہ بتوافقان رقتم بحرم رحمن دادن کے درو نے در کے کر دی کے درو نے خانہ آئی. یہ وہ اللہ کے عارف بندے ہیں جو ہر چیز کی شکل کو دیکھتے ہیں, حقیقت کو دیکھتے ہیں. سورت حج یہ ہے, حقیقت حج یہ ہے. سورت نماز یہ ہے, حقیقت نماز یہ ہے. فرمایا کہ سورت نماز کو بھی سن لیجیے. کہتا ہے کہ بزمین سے سجدہ کر دم کے زمین دابا رامد. ہم نے جو سر رکھا زمین کے سجدے کے لیے تو زمین کہتی ہے ارے تو میرے اوپر بوجھ بنا رہا, اٹھا کر. فرمایا کہ بزمین سے سجدہ کر دم کے زمین دابا رامد کے مالا خراب کر دی تو بس سجدہ آئی. تیرا سجدہ ریا کاری کا سجدہ ہے, میرے اوپر بوجھ اٹھا دی. مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے, یہ معمار اول ہے. مسجد اقصا کی تعمیر بھی حضرت آدم نے کی, یہ معمار اول ہے. طوفان نوح آیا اور طوفان نوح سے تمام آپ اور نقصان مٹ گئے, بیت المقدس کے بھی مٹ گئے, بیت اللہ اور تقریباً بے نقصان کو مٹ گئے. معمار ثانی دوسری بار اس کی بنیاد رکھنے والے انہیں بنیادوں پہ بنیاد رکھنے والے کے جو آدم نے رکھی, وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ معماران حرم ہے, مگر یہ معمار ثانی ہے, معمار اول نہیں ہے. اور بیت المقدس کے معمار ثانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, انہوں نے مسجد اقصی کو دوبارہ بنایا جس طرح کے بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ اس کے معمار ثانی, یہ اس کے معمار ثانی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے دونوں کو جمع فرما لیا, اس لیے کہ وہ تو بیت اللہ تو گول عمارت ہے, جدھر بھی نماز پڑھو نماز ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے, سامنے تو بیت اللہ ہے ہی لیکن اس سے اندر بیت المقدس بھی سامنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے ہیں, کیونکہ نماز فرض ہونے کے بعد مکے میں کتنے دن رہے, جو سن 11 ہجری پیغمبر ہیں, نبوت کے 11 سال ہے جب معراج میں آپ تشریف لے گئے ہیں اور نمازیں آپ پر فرض ہو گئی ہیں, تو نبوت کے 13 سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. اس مدت کے اندر آپ نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے کہ بیت اللہ بھی سامنے, بیت المقدس بھی سامنے. جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے, وہاں کا جغرافیائی محل لوگوں کو ایسا تھا کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ دونوں کو جمع کریں. اگر بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بیت اللہ سامنے نہیں, بیت اللہ سامنے ہو تو بیت المقدس سامنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں, اور کئی مہینے تک آپ نے نماز پڑھی ہے. مگر پھر آپ کا یہ چاہتا تھا کہ جو حرم ابراہیمی ہے اس کی طرف اگر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں, حالت نماز کے اندر حکم لیا کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف رخ. مدینے میں آپ میں سے جو صاحب جائیں گے وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہی مسجد جل قبلتین,
उसकी हैसियत ऐसी है जैसे ये मेहराब इधर भी है उधर भी है। वो मस्जिद क्यों सुनना पड़े रम, अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं करती, वक्त जोर हुक्म आ गया है और हालत नमाज जी के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हुक्म तब्दी फरमाया कि कद नरा तकल्लुब वजहक फिस समाअ फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी तामीर की है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा हज हजरत इब्राहिम से भी पहली बात है, लेकिन इस खाने का बात में हमारे सामने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन दोनों ने मिलकर उसकी दीवारों को उठाया है। हजरत इस्माईल पत्थर उठा उठा के लाके देखे और बात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो है वो खींचे चले जा रहे हैं, दीवार ऊंची करके चले जा रहे हैं। जब दीवार ऊंची हो गई तो फिर पत्थर ऊपर रखकर खड़े हो गए हैं, उसी को मकाम इब्राहिम कहते हैं। यहाँ आज तक दो रकत नफ़ल किया जा रहा है वो मकाम इब्राहिम। तो मैंने अर्ज किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत सी इबादतें वाबस्ता हैं, हत्ता के इबादत हज भी तरीके से वाबस्ता है कि इस घर के मेहमान खानी। और उसके बाद मुझे तो कुर्बानी की इबादत के बारे में अर्ज करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलील कदर नबी और पैगंबर है और हजरत इब्राहिम की हैसियत ये थी पूरे अरब जितनी कौम जितनी मिल्लत जितने मजाहिब वो सब ये कहते थे कि हजरत इब्राहिम तो हमारे थे। यहूदियों ने कहा कि हजरत इब्राहिम तो यहूदी थे, नसारा ने कहा कि हजरत इब्राहिम तो नसरानी थे, मुशरिकों ने कहा कि हजरत इब्राहिम तो फिर परस्त थे। और कुरान करीम में शहादत दी है, फरमाया कि मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो यहूदी नहीं थे, वो नसरानी नहीं थे, वो मुशरिक नहीं थे, उनका दीन दीन तौहीद था, उनका दीन दीन हनीफ था। हनीफ के माना आते हैं सबसे मुंह फेर के एक तरफ रुख करने वाले। हनीफ के माना आते हैं हर मुवाहिद हनीफ है, क्या माना यानी ये कि वो सबसे अपना मुंह फेरता है, सिर्फ अल्लाह की तरफ अपना रुख करता है। दीन हनीफ हजरत इब्राहिम और ये तो ऐसी ही अगलों की बात है। आज अगर कोई आपसे ये कहे और बाद अवकात जब बात में ऐसी बातों का लोग यकीन भी कर लेते हैं, अगर कोई साहब ये कहे कि मौलाना साहब मेरे पास तो कुरान शरीफ का बड़ा कदीम नुस्खा है, भाई कितना कदीम है ये 2500 साल पहले का है, तो लोग तो कहेंगे कभी वाह वाह 2500 साल पहले का नुस्खा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2500 साल पहले तो रसूलुल्लाह आए ही नहीं दुनिया में, तो 2500 साल पहले का कुरान कहां से हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए हुए तो 2000 साल गुजर रहा है, 2500 साल पहले का कुरान कहां से आया। मालूम हो गया कि हजरत इब्राहिम यहूदी कैसे हो सकते हैं। हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम इसहाक है और इसहाक के बेटे का नाम याकूब है। हजरत याकूब पोते हैं हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब की जो नस्ल है वो इस्राइल कहलाती है। बनी इसराइल और यहूदियत का वजूद तो हजरत इब्राहिम के पोते से शुरू होता है, जिसका मतलब यह है कि जब दुनिया में पोता आया है तो हजरत इब्राहिम मौजूद नहीं है। आप सोचिए थोड़ी सी देर के लिए, क्या हजरत इब्राहिम पोते तो दीन से अमल करते थे, उसमें हजरत इब्राहिम थे, हजरत इब्राहिम के पोते से तो यहूदी व्यक्ति थे। यही हाल नसारा का है, यही विकृति है। मगर शख्सियत हजरत इब्राहिम की ऐसी थी कि वो कहलाते हैं अबुल अरब, अरब के बाद
जब वो अरब के बाप है तो हर अरबी कहता जी वो तो हमारे लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इमाम अल मुवाहिदीन है, फरमाया के इन्नी जाहिलु कल्लिनासि इमामा, हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। इमाम तब ये जो तौहीद, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 से भी ज्यादा हुई है, पूरी उम्र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग नहीं की। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इमाम अल मुवाहिदीन इसलिए कहलाते हैं, तौहीद दावा सबूत पेश करो। याद रखिए कोई दावा दुनिया में, आप चाहे अपनी बीवी से दावा करें कभी वो बीवी आपकी मानेगी नहीं, पहले सबूत लाओ। आप कहें मुझे तो बड़ी महब्बत है, कभी कपड़ा ना बनाते हो, कभी दवा ना लाते हो, कभी उसके लिए जेवर न बनाए, कभी उसके पेट में बात न करें, आपके मुझे तो बेहद मोहब्बत, मैं तो बिल्कुल फरिश्ता और आशिक हूं। तो ये बातें नहीं सही, ये तो दावा ही दावा है, इसकी दलील क्या है? अमल से साबित करो कि आया वाकई तुम्हें मोहब्बत है या जबान से कह दे दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी और पैगंबर हैं, दुनिया को नमूना पेश करने के लिए तौहीद का मुजाहरा। तौहीद के मुजाहरे में बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़ी बड़ी मशक्कतें उठानी हैं। सबसे पहला मुजाहरा अपने घर में किया, ये ज्यादा मुश्किल है। आजकल के लोग जो हैं कहीं सोसाइटी के बंधन हैं, कहीं बिरादरी के हैं, कहीं खानदान के हैं। लोग इस जमाने में आमतौर पर कहा करते हैं, कहने लगे साहब बाकी हुकूमतें असल में फ्री इलेक्शन पर हैं, पब्लिक जो है वो बिल्कुल फ्री इलेक्शन के अंदर जो है अपने खूब वोट डाल। मैं ये नहीं कहता कि ये मुतालबा गलत है, ठीक है, पब्लिक का हाल बताता हूं। मोहम्मद अली बोगरा वजीर आजम थे और 1954 का जमाना है, इलेक्शन हो रहा है, होने वाला है। मोहम्मद अली बोगरा साहब यहां से गए, ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, बहुत से सहाफी वगैरह सबको साथ लिखा। उस गाड़ी में कुछ लोग स्टेशन से चढ़े, उनसे पूछा आप क्या करते हैं? कहने लगे हम तो पटवारी हैं। नहीं पटवारी नहीं, बताया कि हम कुछ काम करते हैं, ये करते हैं। उनसे कहा कि तुम कहां जा रहे हो? कहने लगे जी बोगरा जा रहे हो। जी हमारा बादशाह आया है, उस बादशाह से मिलने जा रहे हैं। मोहम्मद अली बोगरा बादशाह है, उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग हंसे और कहा कि भाई आप वोट किसको देंगे? कहने लगे हम तो वोट पटवारी को देंगे। वो बेचारा पटवारी के सिवा जानते ही नहीं, समझे कि पटवारी के सिवा भी और कोई शख्सियत है, वो समझता है यही है हालात वसूल करने वाला। इसलिए बहुत से पढ़े लिखे लोगों को देखा है, उसूली और नजरियाती इलेक्शन होता है। कहते हैं कि मौलाना साहब ये बात जो है ये हमारी बिरादरी की बात है, ये हमारे खानदान की बात है। भाई ये खानदानों की बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं, ये बिरादरी की बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं। मगर अच्छे अच्छे समझदार लोगों को देखा, उन्होंने कहा साहब ये मसला बिरादरी का मसला है। आइए जब अकीदे की आजमाइश होती है और अकीदे का इम्तिहान होता है तो फिर उसवा किसका उसवा है? उसवा इब्राहीमी अपनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुशरिक के घर में पैदा हुए, इसका नाम है आजर। बाजों ने कहा है कि ये आजर लकब है, हमें इससे बहुत नहीं नाम हो या लकब हो, कुरान ने उनको कहा है ये अभी है आजर। और इराक के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है और अली वर, वहां पर पैदा आजर। बुत तराश भी है, बुत परस भी, बुतों की पूजा भी करता है और बुतों को बनाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और नबी और पैगंबर उस जमाने में
आला दर्जे का शऊर रखते हैं तो शायद हमें और आपको 40 साल में भी वो शऊर नहीं मिलता है। होनहार दुर्गा के कितने कितने पास, जिसको अल्लाह ताला नबूवत देने वाले हैं उसके एहसास, बचपन में उसके एहसास ऐसे होते हैं कि हमारे और आपके बाले और बल होने के बाद भी आखिर अंदाजा लगाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माँ का दूध पी रहे हैं, जिस खातून का दूध पी रहे हैं, उनका नाम है हलीमा सादिया। अभी वह बन साथ की एक खातून है, उनका नाम हलीमा है। हलीमा के गोद में भी एक बच्चा है, तभी तो उनकी छातियों में दूध उतरा हुआ। हुजूर को दूध पिलाएंगे। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैंने 2.25 साल दूध पिलाया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मगर कभी इसके खिलाफ नहीं हुआ। आप एक तरफ का दूध पीकर अपना पेट भर लेते थे और दूसरी तरफ का दूध अपने दूध शरीफ भाई के लिए छोड़ते थे। अभी आप गोद में हैं, सुकूलियत का जमाना है, रिजावत का जमाना है, लेकिन ये शऊर अल्लाह ने आपको अता फरमाया है जो हमारे और आपके दिलों में बड़े होकर ही मिलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आँख खोली, जो पैगंबराना खुसूसियात थे उनके खिलाफ देखा, जो तो पेश को देखा कि शिर्क में मुबतला है। और ये जमाना वो जमाना, ऐसे बहुत से जमाने आते हैं, खुदा न करे जो कोई बुरा जमाना देखे, लेकिन हजरत इब्राहिम ने वो जमाना देखा है। फरमाते हैं, मैंने इस दुनिया में आकर देखा कि वो अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है उसी की तरफ कुछ नहीं हो रही है, ताकि उसकी हर मखलूक की तरफ, कोई इंसानों की पूजा कर रहा है, कोई नबातात की पूजा कर रहा है, कोई हैवानात की पूजा कर रहा है, कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, सिर्फ उसी की पूजा नहीं हो रही हुए जमीन पर जो इसका खालिक है। अंदाजा लगाइए कहां शिर्क से भाग गया। मैं ये बात जहन में आ गई, कभी कभी बहुत खराब जमाना मिलता है। इस जमाने के नाकिस कच्चे पक्के किस्म के उलमा की आपके दिलों में कोई कदर मंजिलत नहीं है, और कच्चे पक्कों की तो क्या होती है, जो बिल्कुल पक्के हैं उनकी भी नहीं, और आपकी नजरों में अभी कोई अजमत वक्त नहीं है। लेकिन खतीब बगदादी ने बगदाद का वाकया लिखा है कि एक वक्त एक ऐसा जमाना भी गुजरा है कि उस वक्त मुसलमान के घर मैयत होती थी, नमाज का पकाने वाला कुछ थी। अगर खुदा न करे, खुदा न करे कल को कोई ऐसा वक्त आ जाए, और मैं देखता हूं वो कहते हैं कि इनके दिन पर से क्या करना है, और कौन सी कौन जो है हमारी हौसला अफजाई करती है, कौन सी लोग इज्जत करते हैं कि जब बेचारा मौलवी बन जाता है तो वो असल में पंचों की भावुक बन जाता है। हर आदमी ये समझता है कि मुझे हक है, तो लोग देखता हूँ कि लोग जा रहे हैं महाज की तरफ जा रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, उलमा ने भी अपने बच्चों को इनमें दिन पढ़ाना छोड़ दिया है, और ऐसा मालूम होता है कि वो उलमा सज्जा सहज कर रहे हैं कि भाई हमने तो गलती की, बाकी खुद न करें। खुदा न करे अगर कभी वो वक्त आ जाए कि आप ये देखें कि अरे भाई घर में विलासत हुई है, कोई अजान देने वाला नहीं, मस्जिद हो गई है, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, रमजान आए हैं, कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं, गल्फ के रियासत में चले जाइए आप, गल्फ के रियासत में आप जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि वहां पर कितनी मस्जिदों के अंदर आपको कुरान सुनाने वाले हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का यह खुदा अल्लाह इन बुजुर्गों की कदरों को नूर से भर देते जिन्होंने ये मेहनत की है, जिसका जो फल हमारे आराम से एक मरतबा रमजान से पहले मैं सियोन में था, जो मद्रास से बिल्कुल जिला गया था, कभी एक छोटी सी हली थी, तो मुझसे कहने लगे कि मौलाना साहब आज हम असर के बाद जाएंगे। मैंने कहा तो मेरे वो हिंदुस्तान से मद्रास से जो खांसी खाए हैं तो उनको खांसने के लिए जाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब, कहने लगे कि यहाँ तो कहीं हाथी होता नहीं, हिंदुस्तान से आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप हाथ में कैसे जाएंगे, मैंने कहा ऐसे ही जैसे बकरा खरीद में लोग बकरा खरीदने जाते हैं, दबा दबा के देखते हैं कि ठीक है। आप यकीन जानिए कि लाइन में हाथियों को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद ये हर एक से सवाल करते हैं, बातें करते हैं, ठोस बाजार से कैसे तय करते हैं।
लेकिन आपके मुल्क में कभी ये हालत नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसलिए ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि काश हर हकीम हकीम अजमल का हो, हर हकीम हकीम अजमल का सुभान अल्लाह का। लेकिन मेरे दोस्त का जान इंसान का इतनी प्यारी होती है कि अगर हकीम अजमल का न हो तब भी चपर खनातियों से भी आप इलाज कराते। हमने नहीं देखा किसी को कि किसी ने कहा हो कि साहब हम इलाज नहीं कराएंगे, मर जाएंगे जब हकीम अजमल का ही मौजूद है। तो आप अगर ये कहें कि साहब इस जमाने के उलमा इमाम फखरुद्दीन राजी नहीं है, इस जमाने के उलमा जो है इमाम रब्बानी नहीं है, इस जमाने के उलमा जो है इमाम गज़ाली नहीं है, ठीक है नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर जान आपको इसलिए प्यारी है तो हर डिस्पेंसरी के अंदर जाके भी जब इलाज करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि लाखों मसाजिद मौजूद हैं, हर मस्जिद का इमाम जो है आपके मौजूद इमाम फखरुद्दीन राजी होने पर आप उसको भी गनीमत समझे कि वो कम से कम आपको नमाज सिखाता है, आपको वो दीन की बातें बताता है। तो ये बात आ गई बीच में, हजरत इब्राहिम ऐसे जमाने में आए हैं चारों तरफ देखते हैं, कहते हैं रूए जमीन से कोई गवाह नहीं, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से करने वाला कोई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माहौल को देखा, काम शुरू किया। सबसे पहले वही बिरादरी खानदान घर माँ बाप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा ये आप क्या करते हैं, आप जिनकी परस्तिश करते हैं ये तो आपको ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुरान करीम ने कहा आप ऐसा की परस्तिश करते हैं कि अगर मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी को उड़ा भी नहीं सकते, वो काबिल परस्तिश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बाप को खिताब किया है अपने घर में और वो ये जानते हैं बस एक निगाह पर ठहरा है फैसला देगा या कबूल या मैं घर से बाहर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, बाप ने कहा तेरे अकीदे खराब हो गए, बस मैं चुका आगे अगर तुमने ये बातें अगर कही तो मैं याद रख सकता हूँ मार मार चुकी जाऊंगा। सलाम अच्छा बात हम जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम मुजाहिदीन है, घर का माहौल छोड़ के जा रहे हैं, उनके भी दिल में माँ की मोहब्बत है, उनके भी दिल में बाप की मोहब्बत है, उनके भी दिल में घर की मोहब्बत है, मगर फरमाया तो उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे अल्लाह की तौहीद है। فرمایا تو قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا، میرا بھی گھر سے کوئی تعلق نہیں، یہ پہلا امتحان ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انجام ہے۔ ہم اور آپ کلیہ میں گول چلے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں بیچاری مسائل پوچھنے کے لیے آتی ہیں کہ مولانا صاحب طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی، گنجائش رجوع کرنے کی ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر عورتیں یہ کہتی ہیں اور وہ بالکل صحیح کہتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ میں نے کتاب دیکھ لی ہے، تم پرواہ نہیں کرو بس تم میرے ساتھ رہو۔ میں نے کہا کہ یہ تو در حقیقت عورتوں کی دینداری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل بھی پوچھنے کے لیے آ جاتی ہیں، اور اگر ان کے اندر اگر یہ دینداری نہ ہو تو مرد تو کبھی جا کے نہیں پوچھے گا کہ طلاق ہو گئی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا یہ زندگی آپ کو دوبارہ ملنے والی ہے۔ اگر پوری زندگی آپ نے گناہ میں معصیت کے اندر گزار دی تو میرے دوست آنکھ کھلے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو مسائل جو واقعات ہیں سامنے اس کے اوپر اس طرح مٹی نہیں جائے گی، مسائل پوچھو، پر بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں کہ آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا خانی فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مولوی سے مسئلہ نہ پوچھنا وہ تو حرام بھی کہے گا، وہ تو ناجائز ہی کہے گا، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو ایسا راستہ بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے قوم کو آ کے خطاب کیا، اس زمانے میں قوم دو قسم کے شرک میں مبتلا تھی، یا بتوں کی پرستی یا ستاروں کی پرستی۔ سواقی پرستی میں
किया खुद कर कितना लंबा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज कहे, वाज पैगंबर से, जिन गुलामा ने गुलाम के ऊपर नबियों का और पैगंबरों का साया भी पड़ जाता है, मेरे दोस्तों उनके वाज में भी अल्लाह ने वो ताकीद रखी है कि वो दिलों को चीर कर दे। खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाज में क्या ताकीद होती है। इमाम गजाली के भाई थे अहमद अल गजाली, ये लिखा है कि जब वो मजनू ने बात फरमाया, बड़े अल्लाह वाले थे, फरमाया तो वो मजमा ऐसा होता था जैसे कोई दुश्मन करके चलाते चलता था। वो इमाम गजाली की तरह उन्होंने किताबें नहीं लिखी, ये इमाम गजाली के भाई हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने वाज कहा, और वाज का मतलब होता है जहन था, सीधे दिमाग से ये बात निकल गई, मगर तन्हा वाज से कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहा करते हैं कि जी वो फला बात से बात करिए, फला बात से तकलीफ कीजिए। मैंने कहा कि भाई अगर तकरीरों ही से अगर सारे काम दुनिया में दुरुस्त हो सकते तो 30 साल की तकरीरों के बाद तो फिर ये पूरा का पूरा खिस्सा, ये असल में सालहीन का खिस्सा होना चाहिए था, और इस्लाम की शक्ल यहाँ पर जगमगा नहीं पड़ी। तन्हा बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि समझ तो गए, मगर समझने के बावजूद भी लोग कहते हैं पर नाला यही भी होगा, बात तो समझ में आ गई आपको। वजह क्या है, बाज़ औक़ात आदमी ये समझता है कि ये जो बुत बना हुआ बैठा है ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि उसको मारते हुए डर लगता है कि कहीं वाकई मेरे पीछे दौड़ पड़ा तो मैं कहूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा काम मेरा पूरा हो गया है, अब इनको आंखों से तमाशा दिखाऊंगे ये कुछ नहीं कर सकते। फरमाया कि तल्लाही लअकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, देखो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ करने वाला हूँ। ये कौम चली गई नौरोज मनाने के लिए, हजरत इब्राहिम ने कबर दिया और कबर लेके खूब उनको छू और छू, और वो जो कबर था वो एक जिद के कंधे पर, कौम आई और कहा ये हमारे खुदाओं को कौन कत्ल कर दिया। हजरत इब्राहिम सुते गए, किसी ने इनसे कहा कि क्या ये आपने किया है, मैं काला बल पाला हूं कबीर हूं, मुझे तो ऐसा मालूम होता है ये जो बड़ा खुदा था इसको असल में रश्क आता था कि मेरी मौजूदगी में ये छोटे पूजते हैं, आज मौका मिला तो इस बड़े खुदा ने सबको मार दिया, देखो कंधे पे तबाह कर दिया। कौन को ये दिखाना मकसूद है कि देखो ये चूरा चूरा हुआ पड़ेगा, मकसूद हुए पड़ेगा, देखो कुछ नहीं होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी पूरे उतरे, बादशाह ने इनको दहकती हुई आग में डाल दिया, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। आज भी है जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे दिलिस का पैदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी पूरे उतरे, एक आजमाइश जगता की आजमाइश है और वो है औलाद की। आखिरी आजमाइश उनकी हुई है, देखिए कि कुर्बानी के सिलसिले में वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह आइंदा जुमा को अर्ज करूंगा, दुआ कीजिए अल्लाह हमें और आपको तक को अमल अल्लाह हमारी नल खत्म कर जितना सिबा वारी नल बातिल बातिल अंदर जितना सिनाबा वसल अल्लाह तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी वाली हुआ खादी अजमाई नबी रहमतुल्लाह।